हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एग्जाम के बारे में। तो यदि आप स्टूडेंट्स ट्वेल्थ रनिंग हैं, ट्वेल्थ में अभी आप हैं या ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हैं, तो सारे बच्चे ठीक है पीएटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो, या जिनका ट्वेल्थ में बायो सब्जेक्ट हो, या जिनका ट्वेल्थ में मैथ सब्जेक्ट हो, सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं ये फॉर्म भरते हैं एग्रीकल्चर वन, एग्रीकल्चर टू और एग्रीकल्चर थ्री से। एग्रीकल्चर वन का मतलब होता है आपका क्रॉप, मतलब आपसे पेपर में फसल पूछा जाता है। एग्रीकल्चर टू का मतलब होता है स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्या पूछा जाता है, एनिमल पूछा जाता है, ठीक है, मतलब पशुपालन आप लोगों से पेपर में आएगा। और स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर जो थ्री का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका एलिमेंट ऑफ साइंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कृषि विज्ञान। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि आप एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर वन टू थ्री से भरेंगे, यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो आप चाहें तो एबीसी से भर सकते हैं, या स्टूडेंट्स आप पीसीबी जो आपने इलेवन ट्वेल्थ लेवल पर पढ़ा हुआ है उसी का एडवांस आएगा, आप पीसीबी से भर सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपका पेपर आएगा। यदि स्टूडेंट्स आप मैथ से हैं तो आपके पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जगह फिर मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्रीकल्चर वन टू थ्री से भरेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे चाहें तो वो एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से भी पेपर दे सकते हैं, और मैथ्स वाले यदि चाहें तो पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से पेपर दे सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट आपसे 50-50 क्वेश्चन के लिए पूछा जाएगा, 50 नंबर की एग्रीकल्चर, 50 नंबर की बायोलॉजी, 50 नंबर की केमिस्ट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एबीसी ग्रुप वालों का सिलेबस रहेगा। यदि आप एग्रीकल्चर वन टू रहेंगे तो उसमें भी 150 नंबर का ही पेपर आएगा, 180 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट आप लोगों के स्टूडेंट्स ठीक है पेपर में 150 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों का एक एक सब्जेक्ट जो है वो 150 नंबर का ठीक है टोटल मिलाकर होगा। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर यदि बात किया जाए तो स्टूडेंट्स ठीक है या तो आप पेपर पीसीबी से दे सकते हैं, या स्टूडेंट्स एबीसी से दे सकते हैं, ये बायोलॉजी वालों के सब्जेक्ट हो गए, या स्टूडेंट्स आप पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, या स्टूडेंट्स आप पीसीएम से दे सकते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे इन दो से देते हैं पेपर, और एग्रीकल्चर वाले बच्चे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वन टू थ्री से पेपर देते हैं, ठीक है। तो तीन तीन सब्जेक्ट ही रहेंगे आपके, एक दो तीन, सारे तीन तीन सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन रहेगा पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यदि हम आपसे बात करें सिलेबस में, तो क्रॉप में स्टूडेंट्स आपसे जो है इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, कृषि विकास का जो परिचय है ये आपसे पेपर में आता है, सॉइल एंड फर्टिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर खाद पर बेस क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया खाद एवं उर्वरक का वर्गीकरण कैसे होता है, टीलेज भू परिस्करण आपसे पेपर में आता है, खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप आपसे पेपर में आती है, क्रॉपिंग स्कीम आपसे पेपर में आता है, सस्य क्रम योजना क्या होती है, वीड और इसके कंट्रोल्स पेपर में पूछे जाते हैं, इरीगेशन और ड्रेनेज आता है, सिंचाई और जल निकास क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से हॉर्टिकल्चर पूछा जाता है, वेजिटेबल साइंस है, फ्रूट साइंस हो गया आपसे, सब्जी विज्ञान फल विज्ञान पर बेस क्वेश्चन रहेंगे, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, अलंकृत बागवानी और पुष्प विज्ञान फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेड और मैनेजमेंट पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूरल क्रेडिट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ग्रामीण वित्त पर, एलिमेंट्री सर्वेइंग पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे एनिमल में ठीक है एनिमल हस्बेंड्री इंप्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये क्रॉप का ही हिस्सा रहेगा आपका, एग्रीकल्चर वाला हिस्सा माना जाएगा इसको, ठीक है। डेयरी कैटल मैनेजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनिमल राशन फीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनिमल ब्रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जजिंग ऑफ डेयरी कैटल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉमन डिसीज ऑफ एनिमल, एनिमल की बीमारी, जांच, प्रजनन, राशन, उनकी देखरेख, ठीक है, उनकी नस्लें पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डेयरी इंडस्ट्री दुग्ध उद्योग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मिल्क कंपोजिशन ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डेयरी इक्विपमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग पर ठीक है, मुर्गी पालन, दुग्धशाला के उपकरण संगठन ठीक है, दुग्ध पदार्थ, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उद्योग के बारे में जानकारी आपको दी जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है ठीक है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है ठीक है। इसके बाद में सेल डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन आपसे आएगा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आता है, मेंडल के नियम क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पूछा जाता है, साइनोबैक्टीरिया क्या है ठीक है, वायरस क्या होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, फाइव किंगडम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, पांच साम्राज्य जो होते हैं आप लोगों के, जिसे हम लोग ठीक है जगत के नाम से जानते हैं, तो पादप जगत, जंतु जगत ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, माइक्रोस्पोरोजीनियस मेगा स्पोरोजीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं,
लघु विनाणु जनन और गुरु विनाणु जनन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में टिश्यू और टिश्यू सिस्टम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। और हर आप ये मेन यूनिट जो देखेंगे इसके अंदर आपको जो है ठीक है 25 से 30 सब टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऊतक और ऊतक प्रणाली आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। एंजाइम और ग्रोथ हार्मोन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ये तैयार करना है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र आपसे पेपर में पूछा जाता है। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस क्वेश्चन होते हैं, मानव कल्याण में पौधों की क्या भूमिका है। ठीक है गेहूं चावल दाल तिलहनी फसलें दलहनी फसलें मूंग ठीक है कोयला गन्ना ठीक है पेट्रोलियम पदार्थ ये सब पेपर में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से फूड प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, खाद संरक्षण क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पादप प्रजनन का जो सिद्धांत है। इसके बाद में स्टूडेंट्स बायोलॉजी में जो जूलॉजी वाला हिस्सा है उसमें मल्टी सेलुलरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ये आपको कवर करना पड़ेगा। हिस्टोलॉजी ऑफ मेमेनियल ऑर्गन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्तनधारी अंगों का ऊतक विज्ञान क्या है, पेट आंत यकृत गूदा फेफड़े ब्रसन अंडाशय ये आपको कवर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, त्वचा पाचन तंत्र और श्वसन प्रणाली पर। इसके बाद में स्केलेटल ज्वाइंट मसल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंकाल वगैरह ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम आपसे पेपर में पूछा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन समन्वय विटामिन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनकी जो डिफिशियंसी होती कमी वगैरह। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्तनधारी महिलाओं में जो प्रजनन होता है ये आपसे पेपर में आएगा। ग्रोथ हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्रोमोसोम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, ठीक है ये आपको तैयार करना पड़ता है। इसके बाद में टिश्यू कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उत्तक संवर्धन क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज़ें होती हैं, उत्परिवर्तन जीन क्या होता है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मानव जनसंख्या पर ये क्या चीज़ें होती हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स जूलॉजी और सेरिकल्चर एपिकल्चर लाक कल्चर पोल्ट्री फिशरीज पर्ल इंडस्ट्री पर बेस क्वेश्चन होते हैं, आर्थिक जूलॉजी पर बेस ठीक है प्रोटोजोआ डिसीज पर बेस क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है कैंसर पर बेस्ड जो डिसीज होती है इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्मोकिंग एल्कोहलिज्म पर बेस क्वेश्चन होते हैं, इसमें धूमपान क्या होता है, शराब नशीली दवाओं की जो लत है ठीक है इनके लक्षण नियंत्रण पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइल्ड कंजर्वेशन वन्य संरक्षण पर बेस क्वेश्चन होते हैं, पेस्टिसाइड कीटनाशक पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम बात करें केमिस्ट्री की तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमाणु की संरचना क्या है, केमिकल बॉन्ड पर बेस क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक बंध क्या होता है, सॉल्यूशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, विलयन जिसे हम लोग कहते हैं ठीक है, सॉलिड स्टेट पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठोस अवस्था क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, परमाणु रसायन रेडियो सक्रिय विकिरण पर, केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था पर बेस क्वेश्चन होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस क्वेश्चन होते हैं, साम्यावस्था में आयनिक संतुलन क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मो डायनेमिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक ऊष्मा गतिकी जिसे कहा जाता है तो उसमें हैस का नियम है, थर्मोडायनेमिक्स है ठीक है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक गतिज क्या होता है ठीक है, दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, दर स्थिरांक क्या है, अभिक्रिया की दर क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर है ठीक है ये आपसे पेपर में आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, फराडे नियम क्या होता है, वोल्टाइक सेल क्या है ठीक है ये आपसे पेपर में आएगा, विद्युत रसायन जिसे हम लोग कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री पर बेस क्वेश्चन होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या चीज़ें होती हैं, इमल्सन क्या है, मिसल्स क्या है ठीक है। इसके बाद में आपको स्टूडेंट्स तैयार करना पड़ेगा मेटलर्जिकल ऑपरेशन ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स सोडियम एल्यूमिनियम ठीक है आयरन कॉपर जिंक ठीक है सिल्वर ठीक है आपका लेड इन पर स्टूडेंट्स आपको जो है धातुकर्म संचालन के सिद्धांत को कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में केमिकल पीरियोडिसिटी पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SPDF ब्लॉक की रासायनिक आवधिता क्या होती है ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन क्या है, ट्रांजिशन मेटल पर बेस क्वेश्चन होते हैं, संक्रमण धातुओं पर ये आपसे पेपर में आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपसे आता है, उपसंयोजी यौगिक क्या है, केमिकल एनालिसिस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक विश्लेषण क्या चीज होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला पेपर में आता है ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक के जो अणुभवंजा और आणविक सूत्र हैं ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स एल्कीन एल्काइन बेंजीन ठीक है ऑक्टेन नंबर क्या होता है ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण तो स्टूडेंट्स IUPAC नामकरण आपको यहीं कवर करना पड़ेगा, डाई क्लोरो इथर है, क्लोरोफॉर्म है, हेलो एल्केन्स है, हेलो बेंजीन है, एल्कोहल है, फिनॉल है, इथर है, ये आपको कवर करना पड़ेगा ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है कीटोन एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। पॉलीमर पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोमोलिक्यूल जैव अणु पर स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको CGPAT एग्जाम की पूरी तैयारी करवा के दी जाएगी।
जी हाँ स्टूडेंट्स, डेली आपको 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। पूरा कोर्स आपको HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिलेगा। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद आपको रिविजन करा के दिया जाएगा। जैसा आपका पेपर आता वैसे ही आपके लाइव टेस्ट होते हैं टाइमर के साथ में। पूरे IMP क्वेश्चन आपको तुरंत दे दिए जाते हैं मॉक टेस्ट के साथ में, जिसे आप घर में कभी भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी एन वीडियो के साथ में। पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको CGPAT से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाय बाय।